इंडिया तक राजदेवी न्यूज चैनल के सभी न्यूज आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए आप लोग लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक न्यूज। आप सभी को हम दिखा रहे हैं गोरेगांव मॉल इनोरबिट के पास। जो भी मॉल है सारे में ताला लग चुका है और लॉकडाउन की वजह से सारे को लॉक कर दिया गया है। अब मॉल और मंदिर में ताला लग चुका है क्योंकि भीड़ भाड़ की वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। इसके लिए भीड़ भाड़ जो भी स्थान है वो सारे के सारे बंद कर दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये दोपहर के टाइम में भी जो भी दुकान खुला हुआ है सारे को लॉक कर दिया गया है। और अभी देख सकते हैं आप इनोरबिट को मैं दिखा रहा हूँ, आप देखिए सारे लॉक हो चुका है। मुंबई में अंधेरी, बांद्रा और कहीं भी जो भी भीड़ भाड़ का स्थान है सारे के सारे बंद कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं सिग्नल पे भी कम ट्रैफिक और जो भी आदमी है जो घर जा रहे हैं वो मायूस होकर के लौट रहे हैं क्योंकि फिर से लॉकडाउन हो गया है। और ज़्यादा करके देखा गया है कि आज के डेट में हर जगह लॉकडाउन का असर दिखना चालू हो गया है। हर दुकान, मॉल या जो भी दुकानें, कंपनियां हैं रोड पे या भीड़ भाड़ स्थान जो भी हैं सारे के सारे बंद कर दिया गया है। देख सकते हैं हर जगह पुलिस बल जाकर के, पुलिस वैन जाकर के हर दुकान को बंद कर दिया गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डीमार्ट को भी बंद कर दिया गया है। 3 दिन पहले से ही बंद है, फिर भी यहाँ पे पब्लिक आते हैं और पूछताछ करते हैं और चले जाते हैं। तो देख सकते हैं ये अपना गोरेगांव इनोरबिट या मलार मलोनी के बीच में जो है डीमार्ट, वो सब बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद है और लॉकडाउन के बाद ही खुलेगा। लॉकडाउन पूरी तरह से लागू हो चुका है महाराष्ट्र में और यहाँ पे नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। ये वाइन शॉप सगुन आप देख रहे हैं लोखंडवाला का, अंधेरी का, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सारे दुकान यहाँ पे बंद है। आप पूरी तस्वीर देखिए और वीडियो को शेयर करिए। सबसे पहला खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अंधेरी हो से ले के मलाड तलक मैं देखा जो भी दुकान है सारे के सारे दुकान यहाँ पे बंद कर दिया गया है। अब कब खुलेगा कोई पता नहीं, कितना दिन तक लॉकडाउन रहेगा वो भी पता नहीं, लेकिन आज से ज़्यादा कार्रवाई करके दुकान बंद करा दिया गया है। जहाँ पे भीड़ भाड़ होता है उस चीज़ को बंद कर दिया गया है। होटल, मॉल जो भी है, मंदिर, सारे के सारे बंद कर दिया गया है। लोखंडवाला लिंक रोड का तस्वीर है, आप देख सकते हैं सारे दुकान यहाँ पे भी बंद करा दिया गया है, कोई भी दुकान नहीं खुला हुआ है। और आप देख सकते हैं ए टू जेड दुकान यहाँ पे बंद करा दिया गया है, हर जगह ताला लग गया है। और जो मेडिकल स्टोर, राशन दुकान जो भी है ये सब को धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। पान, गुटखा, जो भी सिगरेट का दुकान है सारे के सारे बंद करा दिया गया है। कहीं कहीं नाश्ते का दुकान आपको दिखाई देगा। और देखिए पुलिस वैन सभी जगह जा कर के सभी को निर्देश दे रहे हैं और बंद कराने की सूचना दे रहे हैं कि बंद करिए, आप दुकान बंद करिए। मंदिर देख सकते हैं आप, हनुमान मंदिर भी बंद करा दिया गया है। आगे भी आपको हम दिखा रहे हैं सारे के सारे दुकान बंद है, हार्डवेयर तक दुकान यहाँ पे बंद करा दिया गया है। भीड़ भाड़ की वजह से वाइन शॉप वगैरह भी बंद करा दिया गया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं पूरी तरह से मुंबई में लॉकडाउन दिखने का असर चालू हो गया है और यहाँ पे आम जनता, पब्लिक सब परेशान है, सब मायूस है, हर जगह सब परेशानी झेल रहे हैं और झेलना पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन फिर से हो रहा है। इसकी वजह से सारे दुकान और ट्रैफिक भी कम हो चुका है यहाँ पे। देख सकते हैं पहले जैसा ट्रैफिक नहीं रहा अभी मुंबई में और पब्लिक बहुत ही कम चल रहा है। ट्रांसपोर्ट, बस, ऑटो सब चलेगा लेकिन इसमें नियम का पालन करना पड़ेगा। अब लोटस पेट्रोल पंप का मॉल भी देख सकते हैं, यहाँ भी बंद है पूरी तरह से, ये भी बंद कर दिया गया है क्योंकि भीड़ भाड़ की वजह से। ये भी गेट पे देखिए ताला लगा हुआ है और बंद है, ये भी मॉल को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से, हर जगह बंद कर दिया गया है। वाइन शॉप हो या दुकान हो या मोबाइल की दुकान हो सारे के सारे बंद करा दिया गया है।
ये अंधेरी आईटीओ का सीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी भीड़ भाड़ बहुत कम हो गया है कोरोना वायरस के वजह से, यहाँ पे बंद करा दिया।